फिट एंड फाइन होंगे। देखिए आज का वीडियो बेसिकली मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड होते हैं, सम टाइम मैं कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो भी बनाती हूँ। एट प्रेजेंट जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, देखिए वैकेंसीज आ गई है, ठीक है, SSC में भी वैकेंसी आ गई है और SSS में भी वैकेंसीज आ गई है और आप सभी लोग फॉर्म जो भी जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उनको फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म भी फिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि जो बेसिकली अभी जो वैकेंसी आई है, जो SSS में वैकेंसीज आई हैं वो तो ग्रुप सी की भी है और स्टेनोग्राफर की भी है, ठीक है, और जो SSC ने निकाली है वो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकाली हुई है, है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन इज दैट की शॉर्ट हैंड या फिर हम कहें इसको स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफी होता क्या है, ठीक है, क्योंकि जब वैकेंसीज आती हैं हम भी उन वैकेंसीज को फिल कर देते हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली उन वैकेंसीज को फिल करते हैं, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज में क्या चीज रिक्वायर्ड है, मतलब कहां पर आपसे क्या मांगा गया है, तो क्या आप सपोज कीजिए आपने वैकेंसीज फिल की, फिल करने के बाद में जो जीके जीएस और जो मेन उनका क्वेश्चन एग्जाम होता है आपने उसको भी दे दिया और आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्टेनोग्राफी एंड क्लर्क, मतलब जो ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं, उनमें डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि फाइनली वहां पर मांगा क्या है। आपके फ्रेंड्स कहते हैं, सम टाइम आपके फैमिली मेंबर्स कहते हैं और आप जॉब को फिल कर देते हो। सपोज कीजिए आपने स्टेनोग्राफी की जॉब को फिल कर दिया, मतलब उस वैकेंसी के लिए आपने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, तो उस कंडीशन में स्टेनोग्राफी क्या होती है, अगर आप ये जाने बगैर फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको पता है कि आपको तो लॉस जो होगा वो होगा, बट एक स्टेनोग्राफर जो कि बहुत ही मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी शॉर्ट हैंड की, उसको बहुत बड़ा लॉस होता है। उसको लॉस ये होता है कि अब देखिए मोस्टली आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति एक फोकस लेके नहीं चलता है, उनके कम से कम एक से दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ताकि अगर एक टारगेट पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो वो दूसरा टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं स्टेनोग्राफी की बात करूं तो ये ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम लेती है स्टूडेंट का, उनका हार्ड वर्क भी लेती है, जो कि जिससे कि वो एक स्पीड मेंटेन करते हैं। जो क्लर्क की पोस्ट होती है इसमें मांगते हैं आपका टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग जो होता है डिपेंड करता है कितनी स्पीड की मांगते हैं। अभी सपोज कीजिए 25 वर्ड्स पर मिनट मांगा है, ठीक है, या इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट मांगा है, डिपेंड करता है कि उस जॉब का क्राइटेरिया उन्होंने क्या रखा है, डिपार्टमेंट ने किस रिक्वायरमेंट से आपके पास वैकेंसी डाली हुई है, ठीक है। तो इसमें जब क्लर्क की वैकेंसी आएगी तो उसमें सिर्फ टाइपिंग मांगते हैं, ठीक है। टाइपिंग में आपका अगर वर्ड वाइज में कहूं जो 25 शब्द प्रति मिनट होते हैं या 35 शब्द प्रति मिनट होते हैं, 25 शब्द आपके मांगते हैं हिंदी में और 35 वर्ड्स मोस्टली इंग्लिश में मांगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेक्शन हुआ कि आपकी अगर दो वैकेंसी आई है, एक क्लर्क की आई है और एक स्टेनोग्राफर की आई है, तो क्लर्क की वैकेंसी के लिए आपको जीके जीएस तो देखिए दोनों में प्रिपेयर करना है, ठीक है, दोनों ही सेक्शन में जीके और जीएस का एक पेपर होगा आपका, जिसमें हिंदी भी इंक्लूड होगी, जिसमें आपका जो सोशल चीजें हैं वो भी इन्वॉल्व होगी, मतलब ओवरऑल ये सारी चीजें आती हैं। बट जब हम बात करते हैं स्टेनो एंड क्लर्क की, तो इसमें प्रैक्टिकल जो सेक्शन होता है, मतलब जो आपका सेकेंड एग्जाम होता है, तो क्लर्क वाली पोस्ट में सिर्फ टाइपिंग के लिए होता है वो एग्जाम, ठीक है। जो टाइपिंग की पोस्ट है उस पोस्ट में आपका हिंदी या इंग्लिश डिपेंड करता है। अब अगर मैं वर्ड डिप्रेशन की डिप्रेशन के अकॉर्डिंग जाऊं तो ये आपका 4000 से अबव जाता है, कम से कम 6000 की डिप्रेशन बनेगा जाके, और यहाँ पर आपका 9000। अभी देखिए क्या होता है कि की डिप्रेशन आपकी कीज के डिप्रेशन में, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है कि कीज डिप्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं, वर्ड पर मिनट कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो इंक्लूड करूंगी। बट अभी बेसिकली मेरा फोकस है स्टेनोग्राफी का। तो अगर क्लर्क की वैकेंसी है तो क्लर्क के लिए आपका सिर्फ टाइपिंग मांगते हैं, आइदर हिंदी और इंग्लिश, अगर आपको दोनों आती है तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है।
टाइपिंग स्पीड जो बेसिकली मांगते हैं आपकी वो 25 वर्ड्स मिनट एंड 35 वर्ड्स पर मिनट मांगते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्स में अभी कुछ टाइम से मैंने नोटिस किया है कि जैसे 15,000 की डिप्रेशन मांगते हैं आपका, ठीक है, तो 15,000 की डिप्रेशन इंग्लिश में अगर आपकी है या किसी भी उसमें सपोज यहाँ पर ऊपर जा रही है आपकी 25 वर्ड है, 6,000 से भी अब जा रही है, तो कहीं कहीं पे वो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते हैं, ठीक है, मतलब 15 नंबर तक आपको टाइपिंग में मिल जाते हैं। बट जब हम बात करते हैं स्टेनोग्राफी की, तो स्टेनोग्राफी में आपसे सिर्फ टाइपिंग नहीं मांगते हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफी में आपसे टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड मांगते हैं। इसमें टाइपिंग तो चाहिए ही होगा और स्टेनो भी चाहिए, ठीक है, टाइपिंग में 25 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम हिंदी में, ठीक है। तो जो स्टेनोग्राफी की या शॉर्ट हैंड की वैकेंसी है या आशुलिपि की वैकेंसीज है, तो इनमें क्या होता है, इनमें शॉर्ट हैंड भी मांगते हैं और टाइपिंग भी मांगते हैं। टाइपिंग का कंसेप्ट मे बी आप क्लियर कर पाए होंगे कि टाइपिंग क्या होता है, ठीक है, जो आप डिप्रेस करते हैं कीबोर्ड से और जो लेटर आपके शो होते हैं वो टाइपिंग टेस्ट होता है। शॉर्ट हैंड की अब हम बात करते हैं, तो शॉर्ट हैंड जो होती है वो एक कोड लैंग्वेज होती है, ठीक है। अभी इसको देखिए, ऑलरेडी मैं शॉर्ट हैंड के वीडियोज डालती हूँ, लेकिन इस समय पे ये क्लैरिफिकेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि जो हमारे शॉर्ट हैंड के बच्चे हैं उनके साथ कोई भी ना इंसाफी ना हो, ठीक है। ये अगर शॉर्ट हैंड नहीं जानने वाला उसको फिल कर देगा और लास्ट में जब उनका रिजल्ट हाथ में आएगा, कौन सा वाला, जो फर्स्ट एग्जाम होगा और आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप इतना समझिए एक महीने में आप शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकते किसी भी कीमत में, ठीक है। शॉर्ट हैंड के लिए कम से कम 7 से 8 महीने तो चाहिए ही चाहिए, अगर आप डिवोटेड हैं और पढ़ाने वाला भी डिवोटेड है, ठीक है, यहाँ दोनों का ही रेफरेंस दूंगी मैं, किसी एक के करने से नहीं होगा, क्योंकि जब तक टीचर आपको पुश नहीं करेगा आप भी काम नहीं करोगे, और टीचर आपको तब तक पुश करेगा जब उसको लगेगा कि आप में आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी है। अगर आप में भी आगे बढ़ने की नहीं है तो टीचर भी कितना पुश करेगा आपको, कितना धक्का लगाएगा आपको, ठीक है। तो स्टेनोग्राफी क्या होती है, एक कोड लैंग्वेज होती है। कोड लैंग्वेज क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको हिंदी में बोल रही हूँ, ठीक है, जस्ट एज हिंदी, मराठी, तमिल, इंग्लिश, इन सभी लैंग्वेजेस में शॉर्ट हैंड अवेलेबल है, ठीक है, इवन जैन लिपि में भी शॉर्ट हैंड आपकी अवेलेबल है ना। बट बेसिकली अब जैसे हम रीजन वाइज लेते हैं, तो अगर मैं उत्तराखंड से हूँ तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, तो हिंदी एंड इंग्लिश एक मेन फॉर्मेट होता है। मेन फॉर्मेट का मतलब वो कि या तो आपकी शॉर्ट हैंड हिंदी में होनी चाहिए या आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड को मैनेज किया हो इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, उसका कंसेप्ट अलग है, हिंदी शॉर्ट हैंड का कंसेप्ट अलग है। तो हिंदी शॉर्ट हैंड, अब हिंदी की कोड लैंग्वेज, मैं आपसे कुछ भी बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं अभी आपसे बोल रही हूँ कि आपको अपनी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है, या मैं बोल रही हूँ आपको शॉर्ट हैंड की वैकेंसी फिल करनी है, आपको शॉर्ट, तो कैसे लिखोगे अब यहाँ पर आपको, ठीक है, शॉर्ट हैंड अभी पूरा, या फिर मैं एक सिंपल शब्द लिखती हूँ, मेरा नाम शिवानी है, ठीक है, मेरा नाम है ये है, तो हिंदी में मैंने लिखा ये, इन शॉर्ट हैंड फॉर्म मैं उसको लिखूंगी इस तरह से कि मेरा नाम शिवानी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हिंदी में लिखा था वो उसकी कोड लैंग्वेज हो, है ना, कोड फॉर्मेट में मैंने सबको डिफाइन किया। आप हमेशा याद रखिए, जब भी किसी चीज का कोड फॉर्मेट होता है तो आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप मैनेज करनी होती है। चलिए मैं आपको थोड़ा पीछे, थोड़ा नहीं, इवन मैं बहुत पीछे लेके जा रही हूँ, मैं आपको नर्सरी केजी एंड केजी सेक्शन में लेके जा रही हूँ। जरा आप तो पढ़ चुके हैं, बट आप लोग बच्चों को तो पढ़ते देखते ही होंगे ना, आप देखते हैं ना कि उनको एक एक वर्ड, अगर मतलब उनको आ बनाना भी बताना है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ ताकि आप इससे रिलेट कर सकें। अगर उस एक छोटे बच्चे को आ बनाना बताना है तो उसकी क्लास टीचर उसको सीधे नहीं कहेगी कि ये ऐसे बनाना है बेटा, अब इसको ऐसे बनाओ, वो क्या कहेंगी, वो पहले एक सर्किल इस तरह से उनको ड्रॉ करना बताएंगी, ठीक है, एबव सेक्शन में, फिर दूसरा सर्किल उनको नीचे के सेक्शन में ड्रॉ करना बताएंगी, फिर उन दोनों सर्किल्स को ऐड करके डैश खींच के, तब ये पूरा आ स्ट्रोक
बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब इतना काम करने में अगर आपके घर में कोई बच्चा है या फिर आपको अपना बचपन याद है तो आप सोचिए आपको कितना टाइम लगा था। लगा था ना कम से कम 3 से 4 पेजेस तो कंटिन्यू आपसे फिल कराए ही जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं कि ये स्ट्रोक आपके माइंड में ट्रेस हो जाए, बिल्कुल अच्छे से छप जाए कि अच्छा ये स्ट्रोक इस तरह से बनेगा, ठीक है। सेम एज इन शॉर्ट हैंड आपको ये सारा जितनी हमने क ख ग घ पढ़ा है, हमने अ अ ई पढ़ा है, या मैं इंग्लिश में ABCD की बात करूं, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, वॉवल्स हैं, ठीक है, इन सभी को एक कोड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ये मत समझिए मैं आपको डरा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो लोग जो सिर्फ क्लर्क की पोस्ट के लिए प्रिपेयर हैं वो शॉर्ट हैंड फिल कर देते हैं तो हमारे शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेरिट में। क्यों? क्योंकि मेरिट अब जाएगी, अब उनको कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा शॉर्ट हैंड लिखने वाला हाई मेरिट के कारण वहां पर आ ही नहीं पाता है, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूं। तो आप सोचिए कि जो शॉर्ट हैंड सीखते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। और मे बी अब आपको समझ आया होगा कि शॉर्ट हैंड किस तरह से लिखते हैं और आपका क्या फॉर्मेट चलता है, क्या प्रोसेस चलती है। अभी चूंकि हम लोग ग्रो अप हो चुके होते हैं तो इतना ज्यादा नहीं होता है कि भाई हम आपको 10-10, 12-12 पेजेस आपको एक स्ट्रोक लिखाएं, बट हाँ प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो अप होते जाते हैं हमारा मेंटल लेवल भी इंक्रीज होता जाता है, चीजों को समझने की समझ भी बढ़ जाती है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि शॉर्ट हैंड एंड क्लरिकल पोस्ट में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट हैंड में क्या मांगते हैं और क्लरिकल जो वैकेंसीज आती हैं उनमें क्या मांगते हैं। मे बी ये एक डिफरेंस बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को क्लियर होना, ताकि अब देखिए सीखना, अगर मैं कहूँ कि अब मैंने कहा आप कहोगे मैम आपने तो इतना टफ बता दिया, ऐसे ऐसे शुरू करेंगे हम तो सीखना ही नहीं चाहेंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं जॉब की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे का फॉर फ्यूचर। अगर एक क्लर्क की पोस्ट निकलती है, ठीक है, और एक स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकलती है ना, तो यहाँ पर पे स्केल में भी डिफरेंस होता है। अगर स्टेनोग्राफर मेहनत कर रहा है तो उस मेहनत का उसको पे स्केल भी अच्छा मिलता है, प्लस उसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, एज अ PA अपॉइंट होता है ना, व्यक्तिक सहायक हम जिसको कहते हैं, और क्लर्क एज अ क्लर्क अपॉइंट होते हैं, मतलब कि उनको ग्रुप सी लेवल का जितना भी वर्क होता है वो उनको डिफाइन करना होता है। बट अगर मैं स्टेनोग्राफर कहूं तो ये आगे जाकर गजिस्टर्ड ऑफिसर्स की रैंक भी पाते हैं, ठीक है, जैसे कि लोक सेवा आयोग वगैरह में जो वैकेंसीज निकलती हैं उन वैकेंसीज में जो स्टेनोग्राफर ज्वाइन होते हैं दे आर ऑलरेडी अ गजिस्टर्ड ऑफिसर, ठीक है, उनको साइनिंग अथॉरिटी है। सिंपली अगर मैं कहूं, है ना, मतलब जैसे अभी आप मार्कशीट वगैरह टेस्ट कराने जाते हैं तो जहां से भी कराएंगे वो जो व्यक्ति होगा उसको साइनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बट एज अ स्टेनोग्राफर अगर कोई अपॉइंट हुआ है तो ही हैड द राइट टू साइन, मतलब उसको साइनिंग अथॉरिटी होती है, ठीक है। क्लर्क का लेवल अलग चलता है, स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है उसका कैडर अलग चलता है। तो अगर कंपैरिजन करें तो दिस वन इज बेस्ट, ठीक है। आपने अगर आपको जीके जीएस प्रिपेयर है, टाइपिंग प्रिपेयर है, ठीक है, और आप एक एफर्ट ऐड करते हो तो आप बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज पा सकते हैं गवर्नमेंट से भी, इवन आल्सो इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टेनोग्राफर्स की डिमांड नहीं है, अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकालना ही बंद कर दिया होता। अगर मैं अपने उत्तराखंड की बात करूं तो यहां पर मेनली हर 1-1.5 साल में हाई कोर्ट की वैकेंसीज आती ही है, जैसे एट प्रेजेंट UK SSC की वैकेंसीज उत्तराखंड में आई हुई है जहां पर स्टेनोग्राफर भी मांगे गए हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड करने वाले जो होते हैं अगर वो सीरियसली कर रहे हैं तो उनको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आप अभी सपोज अभी वैकेंसी निकली हुई है तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, अगर आप अभी से शुरू करते हैं शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करना या शॉर्ट हैंड सीखना तो अप्रोक्स 7-8 मंथ आपको लगेगी, ठीक है। इतना टाइम लगता है कोई भी वैकेंसी, जैसे आज ही वैकेंसी अभी जो निकली हुई है, आपको क्या लगता है कि ये वैकेंसी अभी निकली है और अगले 2 महीने में प्रॉपर हो जाएंगी? ये टाइम लेंगी, ठीक है। जब वो टाइम लेंगी तो यू हैव ऑल्सो द टाइम टू कंटिन्यू दैट सब्जेक्ट, ठीक है। आप उस सब्जेक्ट में अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकते हैं। सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए, सीखने वाला भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपको सिखा रही हूँ और आप सीख नहीं रहे हैं, आपको बोरियत हो रही है, आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट मुझे नहीं लगता होगा। आप में भी उतनी ही क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जितनी की सिखाने वाले में क्यूरियोसिटी होती है, जैसे कि वो भी आपको यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आप
अब आप कहीं जाएंगे तो टीचर का भी तो नाम रोशन होगा। अगर एक बंदा कहीं सक्सेसफुल हो जाता है तो सिर्फ उसकी सक्सेस नहीं होती, उसके साथ जितने भी लोग होते हैं सभी की सक्सेस होती है। तो सेम एज अगर आप अभी भी शॉर्ट हैंड सीखना शुरू करते हैं तो आपके पास टाइम है, आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे ऑनलाइन सीखे चाहे ऑफलाइन सीखे, मेथड डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि आप कितना ऑनेस्टी से उसको सीख रहे हैं, कितनी ऑनेस्टी से आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं। कहीं भी कोई डाउट होता है, इवन मैं वीडियो डाल रही हूँ, आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट है फिर क्विकली कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एज सून एज रिप्लाई दूं ताकि आप अपने काम में अटके नहीं। तो समझ गए होंगे कि स्टेनोग्राफर का कम से कम 7 to 8 months में आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब जिस समय पे आपका एग्जाम टाइम होगा। बेसिकली अगर रूल कवर अप करने की बात करूं तो 3.5 months, ये एक ज्यादा टाइम है। बेसिकली 3 months में आपके रूल्स कवर हो जाते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड में, इंग्लिश में थोड़ा और जल्दी होते हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड में 3 months में रूल कवर हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि फाइनली टाइम लगेगा कितना। इसके बाद का रूल जब कवर हो गए मतलब एक सेक्शन क्लियर हो गया, इसके बाद का पूरा टाइम आपका है, आप एक्यूरेट 80% स्पीड मैनेज कर सकते हैं। इट्स नॉट अ इम्पॉसिबल टास्क, इट्स अ पॉसिबल टास्क, ये पॉसिबल है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 महीने में या फिर इससे भी कम, 3 महीना मैंने इसलिए लिया है कि समटाइम आप बीच में कोई एग्जाम आ गया या कुछ अदर चीज है तो वो थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है, बट फिर भी इतने टाइम में तो हर हाल में रूल कवर हो ही जाते हैं। ठीक है, 3 महीने में जब रूल कवर हो जाएंगे तो फिर आपका जो मेन टारगेट होगा वो स्पीड का होगा, आप 40, 60, 80 और फिर एक्यूरेट 80 डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो मे बी आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। क्लर्क और स्टेनोग्राफर या स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड या आशुलिपि, इन पोस्टेज में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। हाउ मच टाइम इट कंज्यूम, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेसिंग होगी, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आपके कंफ्यूजन निकले, आपका डाउट निकले और आप एक क्लियर कंसेप्ट डिफाइन करके आगे बढ़े। बिकॉज जब आप आगे बढ़ेंगे तभी सक्सेस आपके पास आएगी, खड़े रह के कभी कुछ नहीं मिलता। ओके, तो प्लीज टारगेट डिसाइड करके आगे बढ़िए, फोकस बनाइए अपनी स्टडीज पर, चाहे वो जीके जीएस का सेक्शन हो चाहे वो टाइपिंग का सेक्शन हो, आप कोई भी एक चीज छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको हर चीज कैच करके रखना पड़ेगा तभी आपको प्रॉपर सक्सेसफुल मूवमेंट अचीव होगा जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है। ओके, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।